हेलो फ्रेंड्स, मैं जब भी किसी के घर में कोई नन्ही सी किलकारी जन्म लेती है तो जब भी कोई और उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेता है तो सबसे पहले उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि इसकी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारी स्किन काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है और हम अपनी बेबी स्किन को बहुत ज्यादा मिस करने लगते हैं। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब शुरू होती है जब सर्दियों का समय पास आ जाता है, विंटर सीजन यानी कि लुभावना मौसम। लेकिन इस लुभावने मौसम में अपनी स्किन को सुंदर बनाना भी बहुत जरूरी होता जा रहा है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आपको विंटर सीजन के अंदर भी अपनी स्किन को अच्छे तरीके से बेबी सॉफ्ट बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, विंटर सीजन आने ही वाला है, इसीलिए आपने अपने विंटर कलेक्शन की शॉपिंग तो जरूर की होगी। हाँ, विंटर सीजन में ऐसे कपड़ों की शॉपिंग करते हैं जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी ठंड ना लगे। लेकिन फिर भी कोशिश ऐसी ही कीजिए कि आप बहुत ज्यादा तंग कपड़े ना पहने, क्योंकि उसकी वजह से स्किन सांस नहीं ले पाएगी। अगर आपकी स्किन सांस नहीं ले पाएगी तो उसे काफी ज्यादा ड्राइनेस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी कपड़े पहने उन्हें थोड़ा सा ढीला ही छोड़े, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्किन को सांस लेने का मौका मिलेगा। आप जब भी नहाए तो थोड़े गर्म पानी से नहाए और गर्म पानी से नहाने के बाद अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर लगा लें, क्योंकि गर्म पानी हमारी स्किन को बहुत ज्यादा रूखा बना देता है। लेकिन क्योंकि बात सर्दियों की हो रही है इसीलिए कोई भी ठंडे पानी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इसीलिए आप हल्के गुनगुने पानी से नहा सकती हैं और उसके बाद अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। ऐसा करने से आपकी स्किन के अंदर नमी बरकरार रहती है। सर्दियों का मौसम यानी कि खाने पीने का मौसम, इसीलिए अच्छे से अच्छी चीजों का सेवन करिए और ऐसी चीजों का सेवन करिए जो आपकी बॉडी को अंदर से हाइड्रेट रख सके। इसी के साथ साथ पानी की मात्रा का हमेशा ध्यान रखिए। वैसे तो सर्दी के मौसम में लोगों को प्यास बहुत कम लगती है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी की पूर्ति सही तरीके से करें, क्योंकि पानी हमारी बॉडी को गर्मी हो या सर्दी हो किसी भी मौसम में हाइड्रेट रखने के लिए और ग्लोइंग बनाने के लिए काफी ज्यादा मददगार होता है। अगर आपकी स्किन पर डेड स्किन सेल्स जमा है तो कम से कम हफ्ते में एक बार अपने चेहरे पर एक्सफोलिएट जरूर करिए, यानी कि स्क्रबिंग जरूर करिए। ऐसा करने से चेहरे की सारी डेड स्किन सेल्स दूर हो जाती है। चेहरे को क्लीन रखने के लिए चेहरे को एक दिन में दो बार अच्छे फेस वॉश से जरूर वॉश करिए। चेहरे पर साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से चेहरा और भी ज्यादा ड्राई और बेजान हो जाता है। रात को सोते समय आप मॉइस्चराइजर का प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को वाकई में बेबी सॉफ्ट बनाना चाहती हैं तो आप रात को सोते समय बेबी लोशन का प्रयोग भी कर सकती हैं, क्योंकि वो ना केवल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है बल्कि स्किन को अच्छे तरीके से रीजनरेट करने में भी आपकी मदद करता है। सो दोस्तों, इन आसान से तरीकों को जरूर अपनाइए ताकि आने वाले विंटर सीजन में आप और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।